We seek the blessings of Srila's Bhakti Madhuri Govind Maharaj. प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा मोरा स्वरूप कहा सनातन क्या कहा दास रघु नाथ पतित पावन कहा दास रघु नाथ पतित पवन
कहाँ मोरा भट्टा जुगा कहाँ कवीरा कहाँ मोरा भट्टा जुगा कहाँ कवीरा एक काले को था गेला गोरा नटोरा पाषाणे कुटीप माथा आनले पशीबो गौरंगा गुणेरा निधि को था गेल पाबो से सब संगीरा संगे एकल विलार से संग ना पाया कांदे ना रो तमदार Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Raman, Radha Raman, Jaya Radha Raman. Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jaya, Shri Radha Raman ji ki jaya, Srila Gopal Bhatt Goswami ji ki jaya, Srila Gopal Bhatt Goswami terewa hoti thi Mahamahotsav ki jaya. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya
Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Hakada Mahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahegana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahegana Lalita Shri Vishakanvitamsa He Krishna Karuna Sindhu Nina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashate Deshatarine Hare Krishna तो सभी भक्तों का प्रातःकालीन कक्षा में स्वागत है और आज बहुत ही शुभ दिन है आज तिरुभाव दिवस है हमारे षट गोस्वामी में से एक गोस्वामी हमारे महान आचार्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का और इस पे इनके जीवन प्रसंग के बोलने का हम प्रयास करेंगे उसकी क्षमता नहीं है इसी वजह से सारे भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हैं विशेषकर सभी सभी वरिष्ठ भक्तों से इस ग्रह श्याम कृष्ण प्रभु जी केशव मराई प्रभु जी और अन्य वैष्णवों से कि भगवान की प्रसन्नता के लिए और श्री गोपाल भट्ट जी गोस्वामी जी के गुणगान के लिए कुछ शब्द बोल पाए कुछ दिन पहले मुझे सर्वज्ञ दामोदर प्रभु ने कॉल किया क्लास के लिए तो बताया कि प्रभु जी थर्सडे को क्लास देनी थर्सडे को दिन भगवान की अरेंजमेंट था थर्सडे को मेरा सुबह मॉर्निंग में मंगल आरती में ड्यूटी वर्शिप सर्विस रहता है तो मैं ऑलरेडी एक्साइटेड था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव दिवस वाले दिन ड्यूटी वर्शिप करने का मौका मिलेगा गोपाल भट्ट गोस्वामी का ड्यूटी वर्शिप से क्लोज कनेक्शन है उन्होंने अर्चन पद्धति के बारे में डिस्क्रिप्शन उन्होंने ही दिया तो जब सर्वज्ञ दामोदर प्रभु ने क्लास के बारे में बोला तो मैं और एक्साइटेड हो गया चलो उस दिन आचार्य का ग्लोरिफिकेशन का भी मौका मिलेगा मैंने कहा ठीक है प्रभु जी सेवा स्वीकार करेंगे तो एक दो दिन से मैं थोड़ा कंटेम्पलेट कर ही रहा था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पर में चरित्र में क्या चर्चा कर सकते हैं क्या डिस्कशन कर सकते हैं तो मैं बहादुरगढ़ मंदिर में था बैठ के प्रसाद ले रहा था सोच ही रहा था तभी वहां पर रसिक निताई प्रभु आए वो अभी वृंदावन धाम से आए थे रसिक निताई प्रभु ने अपने थैले में से कुछ निकाला बोले ये लो गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि से महाप्रसाद मुझे आज तक किसी ने इसके पहले कोई वृंदावन से आके गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि से महाप्रसाद नहीं दिया किसी ने रावधा रमन जी का जरूर किसी ने रबड़ी खिलाई है कोई अलग अलग जगह से लाया पर उनकी समाधि से महाप्रसाद रेरी मिला तो लगा कि ठीक है अब कुछ बोलने का प्रयास कर सकते हैं फिर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने कुछ पुराने स्मरण जो मैंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में अन्य वक्ताओं से जो सुना है वो स्मरण करने लग गया तो कुछ वर्ष पूर्व हमारे यहाँ एक महान वैष्णव हिज होलीनेस गौर कृष्ण स्वामी महाराज उन्होंने यहाँ पे क्लास दिया था रुतासुर का उपाख्यान था और किसी दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव तिरुभाव दिवस भी था तो महाराज ने पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी के पर में बोला था और आगे
विता सर के बारे में बोला था, तो वो पूरा लेक्चर कई बार सुना था मेरे रिकॉर्डिंग, तो मुझे याद था। हालांकि उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाया, सम डिलीट हो गया था, परंतु वो लेक्चर भी आया था। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव था, तो मुझे महाराज का भी स्मरण हुआ, तो उनको भी ऑफर करना चाहूँगा आज का। तो आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में थोड़ा आगे जानने का प्रयास करते हैं, जो मैंने महाराज से सुना और इजुलेंस प्रबोधनंद महाराज से भी सुना, जो कि इंसाइक्लोपीडिया है पूरे वैष्णव आचार्यों के बारे में, इजुलेंस भक्ति रसामृत महाराज और अपने अन्य सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तों से। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, गौर पार्षद कई सारे हैं, जितने भी ऑफकोर्स कोई भी कई सारे का मतलब ऐसा नहीं कि सारे गौर पार्षद कोई हम मैं कोई ऑर्डिनरी बोल रहा हूँ, पर कई सारे गौर पार्षद हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, चैतन्य चरितामृत में मेंशन आता है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही भेजा, वृंदावन में जो अपना टीम बनाया, जो अपना सक्सेशन प्लान जो महाप्रभु ने रखा वो कुछ ही लोगों के पास में रखा। उसके लिए उन्होंने कुछ छह लोगों को मुख्यता सिलेक्ट किया। वो कौन छह लोग हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। तो ये छह लोगों को चुना। क्यों छह लोगों को चुना? इसके पर बहुत सारे रीजन है। ऑफकोर्स महाप्रभु किसी को भी चाहे किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं, परंतु हम एक अपने दृष्टि से अगर देखने का प्रयास करें तो ये छह लोगों का जो इस भवन लीला में जो उनका पास टाइम्स रहे हैं, उनके जन्म से लेके उनके बड़े होने तक, क्योंकि वो साधारण नहीं रहे। गौरांग प्रभु से सुन रहा था तो बता रहे थे, मायापुर में सुन रहा था तो बता रहे थे, द सिक्स गोस्वामीज दे न्यू व्हाट वाज पावर एंड दे न्यू हाउ टू डील विद द पावर। कि वो जानते थे ताकत क्या है और वो जानते थे ताकत शक्तिशाली लोगों से, ताकतवर लोगों से कैसे डील किया जाए। रूप और सनातन गोस्वामी स्वयं वजीर खास, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े जमींदार, प्रैक्टिकली राजा के पुत्र थे। जीव गोस्वामी तो नेव्यू थे रूप और भतीजे थे रूप और सनातन के, और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे ये भी जो हेड प्रीस्ट थे श्रीरंगम मंदिर के उनके पुत्र थे। तो अलग अलग जगह से देखें बहुत ही चुनिंदा लोगों को महाप्रभु ने रिक्रूट किया था। जब अलग अलग जगह में भ्रमण किया महाप्रभु ने, दक्षिण भारत की यात्रा में गए, उत्तर भारत की यात्रा में गए, और इनको लेके उन महाप्रभु ने वृंदावन भेजा स्पेशल टास्क के लिए। कई लोगों महाप्रभु ने अपने साथ में रखा पर इनको स्पेशली वृंदावन भेजा। और वृंदावन सबसे पहले आपको लोकनाथ गोस्वामी और भूगत गोस्वामी को भेजा था, पर उसके बाद में स्पेशल इंस्ट्रक्शन देके, स्पेशल उपदेश देके भेजा था रूप और सनातन को। और रूप सनातन को भेजने के बाद में अन्य लोगों को महाप्रभु बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे, चाहे गोपाल भट्ट गोस्वामी हो गए या रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए। अगर रघुनाथ दास गोस्वामी के को जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिले चैतन्य महाप्रभु से, अगर हम देखेंगे तो बहुत थोड़े से हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार उन्होंने पूछा, भाई मुझे वैराग्य ऑर्डर में जो व्यक्ति है उसके धर्म के बारे में जानना है, मुझे नहीं पता अपना मेरा धर्म क्या है। तो महाप्रभु ने बोला, भला ना खाइबे, भला ना पहनबे, है ग्राम कथा ना करीबे, ग्राम वार्ता ना सुनीबे, हाँ अमानी मान देना, सदा कृष्ण नाम लेबे। इस प्रकार से दो तीन वर्ष बोले, तीसरा वर्ष बोला त्रिनादपि सुनी चैन तरोर, ये तीन वर्ष थे बस, ये तीन वर्ष थे। तीन वर्ष के अंदर में वो समाप्त करिए महाप्रभु की शिक्षा। दूसरा एक छोटा सा और आता है, महाप्रभु ने जब गोवर्धन शिला दी तो गोवर्धन शिला को कैसे वर्शिप करना है उसके बारे में बताया। और ऐसा चैतन्य चरित में डिस्क्रिप्शन नहीं आता है कि महाप्रभु ने डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए हों, बाकी उनको स्वरूप दामोदर के माध्यम से मिला। जो डिटेल इंस्ट्रक्शन थे वो रूप और सनातन गोस्वामी को थे, बाकी सबको महाप्रभु सिर्फ यही भेजते थे कि जाओ असिस्ट करो रूप और सनातन को। तो महाप्रभु ने भी अपनी टीम में प्रॉपर लीडरशिप बनाया, लीडरशिप उनको टीम डेलीगेशन वगैरह किया, तो बहुत सिस्टमैटिक रूप से महाप्रभु ने अपना मूवमेंट रखा। तो और इस जो टीम बनाया इसमें हर प्रकार के
लोग थे, योद्धा कह सकते हैं, हर प्रकार के स्पेशलिटी था। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि वैराग्य शिरोमणि है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो कि भागवतम में कथा करने के लिए विशेष निपुणता है, अलग अलग राग अलग अलग तरीके से भागवतम की कथा कर सकते हैं। रूप और सनातन गोस्वामी जो विद्वान है, आचार्य हैं, लीडर हैं, प्रैक्टिकलिटी को लेके सुपर एक्सपर्ट हैं, वो हो गए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो बिल्कुल ट्रेडिशनल वैदिक फैमिली से आ रहे हैं, साउथ इंडियन फैमिली से, बिल्कुल ट्रेडिशनल ट्रेनिंग हुआ है, बिल्कुल ट्रेडिशनल उनका जो अपब्रिंगिंग हुआ है उस तरीके से आ रहे, तो पूरा वैदिक कल्चर को अपने अंदर में अब्सॉर्ब किए हुए, उसी के अंदर में कार्य किया और वो आए हुए हैं। तो और जीव गोस्वामी, उनकी विद्वता तो फेमस ही है, तो पूरा वैरायटी था इस टीम के अंदर में। और इसमें बहुत स्पेशलिटी एक ये भी है कि जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने चुना और एम्पावर करके भेजा, तो हम जानते हैं जैसे कई सारे द्वेषी लोग हैं आज के समय में भी और पहले के समय में भी, जो ये कह सकते हैं और कहते भी हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी या रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी ये तो मिलेच क्या थे, या ब्राह्मण नहीं रहे, या मिलेच क्या रह गया, जो भी, तो उनकी ऑथराइज चीजों को एक्सेप्ट करें ना करें, ये एक डाउट, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर में ऐसा कोई दाग नहीं लग सकता था। गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्राह्मण कुल में जन्मे और ब्राह्मण परिवार में पूरा ब्रिंगिंग रहा, उनका हेड प्रीस्ट ही थे वेंकट भट्ट उनके पिता, और ब्राह्मण प्रबोधानंद सरस्वती उनसे दीक्षा ली, उन्हीं से संन्यास लिया, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार वो वृंदावन में आकर रहे। तो इसी वजह से जब वैष्णवों का जो वैष्णव की आचार संहिता, वैष्णवों का आचार कैसे रहना चाहिए, उनको कौन सा पूजा अर्चना में कौन सी विधि करनी चाहिए, अपने संस्कार के लिए कौन कौन से तरीके करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव विधि स्मार्ट विधि से थोड़ा डिफर तो करेगी। स्मार्ट विधि में कर्मकांड इत्यादि पर बहुत जोर दिया जाता है, देवी देवताओं की पूजा पर जोर दिया जाता है, और वैष्णव विधि में ये सारा चीज नहीं है, तो वो डिफर करना था। और साथ जितने भी स्मार्ट ब्राह्मण थे वो इस पर अग्री ना करते, वो कहते ये तो मिलेच है, ये यमन है, हम इसकी बात कैसे माने, ये उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब हरि भक्ति विलास कंपोज किया, जिसमें काफी मेन योगदान सनातन गोस्वामी का है, क्रेडिट हम जानते हैं सनातन गोस्वामी, पर उसके संपादक में उन्होंने नाम डाला गोपाल भट्ट गोस्वामी का, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया था, तो वो छपा गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से है। अब कोई उंगली नहीं उठा सकता था, क्रेडिट पूरा गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में था, और पूरा लिखा हुआ था षटक्रिया सार दीपक, अब जो आगे उन्होंने ऐड किया। तो जितने भी ये पद्धति थी जो वैष्णव पद्धति, वो पूरी रूप से एक तरह से ऑथराइज्ड माने जाने लग गई अन्य संप्रदाय, हालांकि अभी भी लोग नहीं मानते हैं, कई सारे स्मार्ट ब्राह्मण तो ना माने, परंतु एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी वो वेल एक्सेप्टेबल मानी जा सकती है। तो एक प्रकार से एक विशेष कंट्रीब्यूशन यहां पे भी है। दूसरा विशेष कंट्रीब्यूशन ये भी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को और अन्य सबको भेजा, तो रूप और सनातन गोस्वामी को देखे तो उन्होंने ज्यादा शिष्य स्वीकार नहीं किए। रूप गोस्वामी के सिर्फ एक ही शिष्य था, कौन थे, हाँ एक शिष्य था जीव गोस्वामी, बहुत थे वो, और सनातन गोस्वामी के भी बहुत शिष्यों के बारे में चर्चा नहीं आती, क्योंकि कई रीजन हो सकते हैं, वो अपनी सेवा में ज्यादा अब्सॉर्ब्ड हों, या उनको मुख्य इंस्ट्रक्शन मंदिर की स्थापना करने के लिए और पुस्तक लिखने के लिए मिला हो। परंतु दीक्षा देने के लिए जो विशेष इंस्ट्रक्शन, विशेष एम्पावरमेंट मिला, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिला था। महाप्रभु ने एक आसन भेजा था गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए, जिसे बोलता था इसमें बैठ के तुम दीक्षा देना, तो इसी वजह से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कई कई लोगों को दीक्षा दी थी, वो एम्पावरमेंट था। क्योंकि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा दीक्षा दी जाएगी, उसमें भी फिर कोई भी स्मार्ट इत्यादि वो क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, अरे इनके शिष्य को हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये भी एक स्पेशल चीज है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का और भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है टीम वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हम उनका लीला
के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म दक्षिण भारत में जो श्री वैष्णवस रामानुज संप्रदाय का जो हेडक्वार्टर्स है कौन सी जगह पे है? श्रीरंगम में। हाँ, श्रीरंगम, श्रीरंगम कावेरी तट, कावेरी नदी के तट पे है। और श्रीरंगम के निकट में एक वेलगुंडी नाम का एक ग्राम है, ग्राम है, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। और वेंकट भट्ट फिर यहाँ पे श्रीरंगम में रहने लगे थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत की तात्पर्य में कि जो वहाँ के वैष्णव हैं जो श्रीरंगम के, वो वेंकट नाम नहीं रखते। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बल राम की जय। राधिका रमन जी का नाम भी राधा रमन जी से मिलता जुलता है। तो प्रभुपाद जी की तात्पर्य में लिखते हैं कि वेंकट नाम वहाँ के वैष्णव नहीं रखते हैं, तो इस वजह से वेंकट भट्ट कहीं बाहर से आए होंगे। बहुत स्पेसिफिकली क्लियर नहीं है कि कहाँ से आए होंगे, तो मुझे पता नहीं कहाँ से आए मैं जानने का प्रयास किया, पर इतना इतना पता चल पाया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म वेलगुंडी में हुआ था, श्रीरंगम में नहीं हुआ था। हो सकता है वेंकट भट्ट यहाँ से हो या कहीं और दूसरी जगह से हो। और फिर गोपाल, जो बालक गोपाल भट्ट थे, वो ग्रोअप करने लगे, बड़े होने लगे। छोटे ही थे बाल्यकाल में ही। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु के ये सारे नित्य पार्षद हैं, रूप सनातन को भी जब महाप्रभु ने स्वीकार किया तो बोले तुम मेरे नित्य पार्षद हो। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी वैसे नित्य पार्षद है, गुणमंजरी है, कवि कर्णपुर लिखते, हो सकता है अनंग मंजरी, मेरे ओपिनियन में अनंग मंजरी भी ऐसा भी बोलते हैं कवि कर्णपुर। पर महाप्रभु ने अरेंजमेंट किया अलग अलग जगह, दक्षिण भारत में जन्म लो, ये यहाँ पे ऐसे जन्म लो। तो अभी चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं थे गोपाल भट्ट, उस समय बच्चे ही थे। तो तभी से इनको इनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चल गया था, उनको उनका आभास होने लग गया था। और यही नहीं, उनको ये भी पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में फिर वहां से संन्यास ले लिया है। तो बालक गोपाल भट्ट अभी तक चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में नहीं आए हैं, इसी समय उनको ये पता चल गया। और बालक गोपाल भट्ट बहुत रोने लग गए, जैसे नवदीपवासी रोते थे कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, जैसे ब्रजवासी रोते थे कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, वैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी रोने लगे, महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होके गोपाल, बालक गोपाल को अपना नवदीप रूप दिखाया, जब उनके केश बड़े थे, संकीर्तन कर रहे थे, बहुत सुंदर स्वरूप, तब जाके बालक गोपाल शांत हुए। और जब ये लगभग 5 वर्ष के हुए, वो समय आया जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए श्रीरंगम पहुंचे। और जब महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे, महाप्रभु का अरेंजमेंट था कि चातुर्मास्य का समय श्रीरंगम में पहुंच होना था, क्योंकि यहाँ पे उनको काफी समय रुकना था, 4 महीने के लिए यहाँ पे रुकना था। तो यहाँ पे जो वेंकट भट्ट थे, उन्होंने आमंत्रित किया अपने घर पर रुकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु वहां पे उनके यहाँ रुके। तो आप में से कितने लोग गए हैं श्रीरंगम? कई भक्त गए हुए, तो जितने भक्त गए उनको पता होगा, जो आप अगर श्रीरंगम में जाएंगे तो वेंकट वेंकट भट्ट का घर भी आप देख सकते हैं। और उसी वेंकट भट्ट के घर के लगभग सामने ही वो मंदिर भी है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वर्शिप कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं विग्रह बनाए थे, कुछ लोग कहते हैं श्री किसी और ने बनाए थे, चैतन्य महाप्रभु ने वर्ष उनकी सेवा की थी। वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देखने में भी अलग रखते हैं, उनकी आंखें नॉर्मल हैं और उतने एक्साइटेड नहीं है महाप्रभु सेवा करते थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट उस समय बालक थे, वेंकट भट्ट के यहाँ पे महाप्रभु रहते थे। तो जैसा कि होता है जब किसी भक्त के यहाँ साधु सन्यासी या कोई वरिष्ठ भक्त जाते हैं, तो छोटे बच्चे सेवा में लग जाते हैं, उनको भोजन के लिए भोजन लेके आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, जब प्रसाद पा लेते हैं तो वही पत्र लेके जाते हैं। जब महाप्रभु विश्राम करते थे तो गोपाल बालक गोपाल आके चरण दबाते थे। सोचिए बचपन क्या सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, 4 महीने तक पर्सनल सर्विस श्री चैतन्य महाप्रभु की, डेली चरण दबाना, प्रसाद सर्व करना और महाप्रसाद पाना। और जब महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में होते थे तो गोपाल वहीं पे, इतना आकर्षित थे, पहले से ही आकर्षित थे, तो वहां पे उनसे श्रवण करते थे। जब
महाप्रभु बाहर जाते थे तो गोपाल भट्ट भी जाते थे, महाप्रभु संकीर्तन करते थे रंगनाथ जी के सामने तो गोपाल भट्ट भी संकीर्तन देखते थे, तो और जितना आकर्षण था वो बिल्कुल बढ़ता चला गया। और उसी समय बहुत फेमस डायलॉग हुआ, वार्तालाप हुई वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, जो हमें चैतन्य चरितामृत में कुछ समय पहले प्रसंग भी आया, क्योंकि वेंकट भट्ट को एक अभिमान था कि जो नारायण है ये अवतारी है और कृष्ण है अवतार, कि नारायण है वो श्रेष्ठ है और नारायण से कृष्ण निकल के आए हैं, उन्हें अवतार लिया है और सारे रसों में नारायण श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु ने उनका ये सटल सा ये जो सूक्ष्म अभिमान था इसको भंग करने के लिए हास्य में उनसे कहा कि अरे भाई ये जो तुम्हारे नारायण है और उनकी जो धर्मपत्नी है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी तो सदा नारायण के साथ में रहती है और तुम कहते हो नारायण श्रेष्ठ है, तो लक्ष्मी क्यों कृष्ण के साथ रासलीला में जाना चाहती है? भागवतम में लिख के आता है क्यों कृष्ण के साथ रासलीला में जाना चाहती है। तो वेंकट भट्ट ने बोला भाई क्यों ना जाना चाहे, भाई नारायण कृष्ण में क्या भेद है, वही नारायण है वही कृष्ण है, कोई भेद नहीं है, तो अपने स्वामी के साथ रासलीला करनी चाहते हैं तो उसमें सतीव्रता उनकी भंग थोड़ा ना होते। तो बोले अच्छी बात है, वो जाना चाहती है तो उसमें उनकी सतीत्व भंग नहीं होगा, परंतु जाना चाहती है तब भी वो जा नहीं पाती है, क्यों नहीं जा पाती है ये बताओ। अब ये क्वेश्चन का आंसर वेंकट भट्ट नहीं दे पाए, सही बात, लक्ष्मी देवी प्रयास कर रही है जाने के लिए, नहीं जा पा रही है, उस वजह से बेलवन में तपस्या कर रही है। आज भी आप जाएंगे बेलवन में, लक्ष्मी देवी का मंदिर भी है, तो तपस्या कर रही है तब भी नहीं जा पा रही है, तो मतलब लक्ष्मी देवी के पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये सुन के तो वेंकट भट्ट बहुत दुखी होने लग गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया, देखिए तुम ये मत समझो कि नारायण और कृष्ण अलग है, नारायण और कृष्ण सेम व्यक्ति है तत्व में, पर रस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कृष्ण कुछ रस एक्स्ट्रा एक्सिबिट करते हैं, कुछ माधुर्य रस जो कृष्ण एक्स्ट्रा दिखाते हैं, तो इस वजह से लक्ष्मी देवी भी उनके प्रति आकृष्ट होती हैं। वहीं पे गोपियां जो कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, जब कृष्ण रासलीला से अप्रकट हो गए तो गोपियां ढूंढने लग गई, उसी बीच में कृष्ण नारायण रूप में प्रकट हुए उनके सामने और गोपियों ने प्रणाम किया नारायण जी हरे कृष्णा और आगे बढ़ गई उन्होंने इंटरेस्ट ज्यादा शो नहीं किया। वही कृष्ण है जो नारायण के जो वही लक्ष्मी है जो कृष्ण के पास आना चाहती हैं, वही गोपियां हैं जो नारायण में नहीं सिर्फ कृष्ण में आकर्षित हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया वेंकट भट्ट को, वेंकट भट्ट समझ गया, वेंकट भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझने लग जाएं कि एक संप्रदाय सुपीरियर है एक संप्रदाय इन्फीरियर है और किसी के प्रति अपराध करें, इस चीज से हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, परंतु इस तत्व को समझाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की। और वेंकट भट्ट के साथ में वेंकट भट्ट के जो भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती, वो भी भक्त बने और आगे चल के वो महान सन्यासी बने, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बने और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। पहले वो गृहस्थ आश्रम में थे और बाद में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। तो जब वेंकट भट्ट के यहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे और वहां से चार मास के बाद जब जाने लग गए तो सभी लोग रोने लग गए और बालक गोपाल तो इतना रोने लग गया कि मूर्छित हो गया, फिर रोने लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े दूर गए थे, वापस उनको आना पड़ा, भक्ति रत्नाकर में पूरा डिटेल आता है इसके बारे में। चैतन्य महाप्रभु फिर वापस आए उस बालक को सांत्वना देने के लिए, कुछ दिन फिर रुके और फिर जाने लगे, फिर रोने लग गया। तो महाप्रभु ने कहा था चिंता मत करो, थोड़ा टाइम रहो, थोड़े टाइम बाद जब थोड़े बड़े हो जाना तो मेरे पास वृंदावन आना, वहां मिलूंगा तुमसे। तो महाप्रभु ने वहीं पर फुल टाइम रिक्रूटमेंट कर लिया उनका। तो अभी बालक छोटे थे, थोड़े टाइम बड़े होने लगे और उन्होंने शिक्षा पूरी शुरू की प्रबोधानंद सरस्वती से। प्रबोधानंद सरस्वती साधारण मतलब विद्वान नहीं थे, उन्होंने अष्टकम लिखने वृंदावन अष्टकम लिखने का प्रयास किया था और लिख दिया वृंदावन शतकम। शुरू 8 वर्ष से किया था, लिख 100 वर्ष लिए। तो जब उनसे शिक्षा प्राप्त की उसमें भी एक्सेल किया तो गोपाल भट्ट भी बहुत विद्वान हो गए। और फिर थोड़े ही समय में जो उनके पिता माता पिता थे गोपाल भट्ट के, उनका तिरुभाव हुआ और वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट ने फिर आशीर्वाद प्राप्त किया प्रबोधन सरस्वती और निकल पड़े वृंदावन धाम की तरफ, जैसे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी।
वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर रूप और सनातन को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मिल चुका था चैतन्य महाप्रभु से, गोपाल भट्ट तुम्हें ज्वाइन करेगा, उसको ध्यान रखना, अपनी केयर में रखना, मैं आप तो पूरा अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं, एम्पावरमेंट करके क्या कैसे उसको उस समय में लगाना स्पेशली पूरा बता रखा। और जैसे ही गोपाल भट्ट पहुंचे उसी समय रूप और सनातन गोस्वामी एक मैसेंजर को भेजने वाले थे जगन्नाथपुरी कुछ मैसेजेस के साथ में, तो उन्होंने ये भी भेज दिया कि गोपाल भट्ट आ गए हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को ये खबर मिली कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच गया तो बहुत प्रसन्न हुए, पूरे इंस्ट्रक्शन का पालन किया। तो महाप्रभु ने गिफ्ट के तौर पे तीन चीजें भेजी, एक डोर, एक कॉफिन और एक आसन लकड़ी का जिसपे बैठ के उनको दीक्षा देनी थी। गोपाल भट्ट वृंदावन में थे, उनकी बहुत इच्छा करती थी कि चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उनका भी इच्छा करी जगन्नाथपुरी जाए क्या करें। तो महाप्रभु ने सबने आदेश किया मैं तुम्हें मिलूंगा, कहां पे मिलूंगा, जाओ दामोदर कुंड जाओ वहां पे मिलूंगा। हाँ। अभी दामोदर कुंड कहां पड़ता है ये आपने बद्रीनाथ का नाम सुना है, वैसे ही नेपाल में एक जगह मुक्तिनाथ, कई भक्तों ने सुना भी होगा, मुक्तिनाथ में भी जहां पर शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं, मुक्तिनाथ की में भी और मुक्तिनाथ जी के भी ऊपर जाके पड़ता है दामोदर कुंड। हम लोग एक बार मुक्तिनाथ गए थे कई भक्तों से पूछा आप दोबारा जाएंगे तो बोला दोबारा नहीं जाएंगे एक बार बहुत है। हम लोग मुक्तिनाथ कैसे गए थे आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। हम लोगों ने यहां भक्तों ने यहां से ट्रेन ली, पूरी रात जर्नी करके सुबह पहुंचे लखनऊ, फिर लखनऊ से सुबह बस ली, पूरे दिन जर्नी किया, शाम में पहुंचे गोरखपुर, बॉर्डर क्रॉस किया नेपाल में, वहां पर रात में रुके, सुबह फिर बस ली, पूरा दिन जर्नी किया, शाम में पहुंचे पोखरा, अगले दिन फिर सुबह बस ली, फिर रास्ते में हम एक जगह पहुंचे जहां पे भरत महाराज और हिरन वाला केस हुआ था, वहां पे रात रुक गई, फिर अगले दिन सुबह बस पकड़ी, वो कहां से नदी से पहाड़ से रास्ता नहीं था, नदी के अंदर बस चल रही थी हमारी एक दो बार, वो करते 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 रात में मुक्तिनाथ पहुंचे, और मुक्तिनाथ से 7 दिन का रास्ता है दामोदर कुंड तो वो पूरा रास्ता गोपाल भट्ट गोस्वामी पैदल गए थे, कैसे गए क्या गए, सिर्फ महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था सपने के अंदर में आ जाओ, गुरु का इंस्ट्रक्शन आ जाओ एक बार, ऐसे नहीं 2-3 बार तो क्या निष्ठा है ये तो सोच के मानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि रास्ते में हमने तो पूरा प्रसाद का अरेंज किया, सुनौली में कॉल किया था मुझे प्रसाद मिलेगा नहीं, पोखरा में अरेंजमेंट था, पत्री प्रभु ने अरेंज करा रखा था, पूरा अरेंजमेंट था हमारे पास में, वहां से कुछ नेपाली भक्त भी मिल गए थे जो कई बार मुक्तिनाथ गए होते हैं पूरा रास्ता दिखाने के लिए वहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ कोई टूर गाइड नहीं थे। और जब वो दामोदर कुंड पहुंचे तो वहां पे महाप्रभु मिले भी नहीं, महाप्रभु भी नहीं थे, बोले महाप्रभु ने बोला यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे है भी नहीं, बड़ी मुश्किल से पहुंचा यहाँ, तो क्या करे, बोले ठीक है अब आए तो दामोदर कुंड में स्नान तो करता हूँ। अच्छा दामोदर कुंड में स्नान करना इतना आसान नहीं है, हमने वहां पे कुछ स्नान किया था मुक्तिनाथ में, हमें हालत खराब हो गई थी तो वहां पे कुछ धाराएं थी उसके अंदर में स्नान किया, तो जब स्नान करके निकले तो ऐसा लगा कि शरीर छोड़ दिया है हमने, शरीर अलग, शरीर का पूरा सुन्न हो चुका था, कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ भक्त ऐसा लग रहा था उनको करंट हो गया, कुछ अजीब से हो गया, तो केशव मुरारी प्रभु ने एकदम से कीर्तन स्टार्ट किया और हम लोग थोड़ा हिले डुले कुछ बिना शरीर के हिलना ऐसा लग रहा था, शरीर तो सुन था, थोड़े टाइम में एनर्जी आई तब थोड़ा गर्मी आई तब आभास हुआ, सो दैट वॉज वेरी कोल्ड। और मुक्तिनाथ के और ऊपर जाके दामोदर कुंड है तो वो कितना ठंडा होगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी उसके अंदर में गया स्नान करने के लिए, और जब स्नान कर रहे थे अपने कमंडल से जल निकाला तो क्या हुआ, कुछ शालिग्राम शिलाएं उसके अंदर में आ गई। अभी ऐसा नहीं कि आप कोई भी हाथ डाले पानी के अंदर में वहां पे शालिग्राम शिला मिल जाती है, ढूंढना पड़ता है शालिग्राम शिला तब मिलती है वहां पे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी नहा रहे थे ऐसे शालिग्राम शिला के, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं कहां शालिग्राम शिला कर पाऊंगा, मुझे तो रूप सनातन को असिस्ट करना है, ग्रंथ वगैरह रचना करी नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने वापस जल में डाल दी। इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि विग्रह की सेवा और शालिग्राम की सेवा ऐसे ही करने लग जाए, गुरु के निर्देशानुसार ही करने, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे आचार्य हमारे संप्रदाय में एक प्रकार से शालिग्राम वर्शिप को स्टैब्लिश करने वाले, उन्होंने कैसे किया ये भी देखने को मिलता है। फिर वो स्नान करने के लिए फिर जल निकालने, फिर से वो शालिग्राम शिला जैसे कूद के उसके अंदर में आ गई हो समझ, फिर उन्होंने संभाल के अब की बार फिर से डाला, और ऐसा नहीं कि वो पानी नीचे से निकाल रहे हो पानी ऊपर से, फिर उन्होंने पानी निकाला फिर उसके अंदर में आ गई, ऐसे 3-4 बार किया तब उनको समझ में आया कि ये शालिग्राम शिला ऐसे नहीं, वो किसी पर्पज से आ रही है।
और उन शालिग्राम शिला के अंदर में एक विशेष शिला थी, शालिग्राम शिला जिसका नाम था दामोदर शिला। आपको शालिग्राम शिलाएं मिलेंगे, कई जगह दर्शन करेंगे, पर शालिग्राम शिला में ये दामोदर शिला ये बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलती, तो वो भी जबरदस्ती आ रही थी। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी को पता चला कि महाप्रभु कैसे उनको दर्शन दे रहे हैं, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु शालिग्राम शिला के रूप में दर्शन दे रहे हैं और ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि मैं शालिग्राम शिला से अभिन्न हूं। तुम इस शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करोगे, पूजा सेवा करोगे तो तुम मेरी पूजा सेवा कर रहे हो। तब वो शालिग्राम शिला लेके आए और वृंदावन में उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। जब वृंदावन में वो सेवा कर रहे हैं तो कई दिन हो गए सेवा करते करते करते, आप सभी ने प्रसंग सुना है कैसे नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन एक ब्राह्मण आया, एक व्यापारी आया, शायद दिल्ली के व्यापारी होंगे, वो अलग अलग जो भक्त थे उनको कुछ गिफ्ट दान में दे रहा थे, तो उन्होंने शिव विग्रह की सेवा के लिए कुछ आभूषण और कुछ वस्त्र वो जाके गिफ्ट किए गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लग गए काश मेरे पास भी विग्रह होते, भगवान के अन्य सारे भक्तों के पास में है, उनके मन में हो सकता विचार है ऐसा, तो मैं भी सेवा करता। ऐसे विचार है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और भगवान के अरेंजमेंट से भजन करते थे, भगवान के अरेंजमेंट से उनको थोड़ा निद्रा आ गई। जो निद्रा उपरांत उन्होंने आंखें खोली तो देखा वो दामोदर शिला जो लाए थे वो दामोदर शिला ने अब अलग रूप ले लिया है। कैसा रूप लिया उन्होंने, बहुत ही सुंदर त्रिभंग राधा रमन जी का त्रिभंग रूप लिया है कृष्ण का, और वो रूप जो भगवान का प्रकट हो बहुत ही सुंदर है, छोटा सा रूप है लगभग 12-13 इंच का, उसमें इतने सुंदर भगवान की आंखें हैं, भगवान की नाभि भी है, भगवान के त्रिभंग रूप भी है, स्वयं प्रकाशित विग्रह है। तो जब ये खबर सारे अन्य गोस्वामी के पास पड़ी, रूप पहुंची, रूप और सनातन गोस्वामी के पास, सभी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने नाम दिया इन विग्रह का राधा रमन देव। तो उन्होंने सभी ने बहुत बड़ा उत्सव किया और राधा रमन जी की सेवा प्रारंभ हुई। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इस राधा रमन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और राधा रमन जी मतलब इनफैक्ट दामोदर कुंड जाने के पहले की बात है, जब ये गोपाल भट्ट गोस्वामी अलग अलग जगह जाते थे कभी प्रचार के लिए कभी भ्रमण के लिए, तो एक बार हरिद्वार के रास्ते थे, तो अगर आप यहाँ से दिल्ली से रुड़की जाएंगे तो ट्रेन में रुड़की से लगभग 45 मिनट पूर्व एक स्टेशन पड़ता है देवबंद, तो उसका पुराना नाम है देववृंद देववंद्य, इस नाम से जाना जाता था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पे गए थे तो वहां पे गए तो वहां पे बहुत कसके तूफान आया तो पूरे गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत किया। तो तूफान आया तो रात में कहा जो कि एक ब्राह्मण ने उनको अपने यहाँ पे इनवाइट किया और उसने खूब हृदय के साथ में सेवा किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु देखा वो ब्राह्मण बहुत दुखी था, तो उन्होंने पूछा आप दुखी क्यों, तो बोला मेरी कोई संतान नहीं है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला ठीक है कि कृष्ण की कृपा से तुम्हें बहुत ही ज्यादा कृष्ण भावना भावित एक पुत्र की प्राप्ति हो, और ये बोल के गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां से जाने लग गए। तो वो एक ब्राह्मण भी इतना उसका स्वभाव देखिए, उसने क्या किया, उसने वहीं पे गोपाल भट्ट गोस्वामी को वचन दिया कि हे गोस्वामी अगर जैसे ही वो ये संतान ये पुत्र बड़ा होगा तो मैं तुरंत आपकी सेवा में भेज दूंगा उसको फुल टाइम सर्विस के लिए। कई वर्ष बीत गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी को याद भी नहीं था, और अब वो दामोदर शिला वगैरह लेके आ गए थे, रावण रमन देव का शायद प्रकट भी हो गया था उस समय। गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना में स्नान कर रहे थे तो देखा ये स्नान करके निकले तो बाहर देखा एक बालक बैठा हुआ है, लगभग 10 वर्ष का आयु का बालक था। तो बोला तुम यहाँ पे किसके अंडर में किसके पास, बोले मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में आया हूँ। बोले मैं ही गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या है। बोले मैं आपकी सेवा फुल टाइम आपका सर्वेंट हूँ, आपका सेवा। बोले फुल टाइम सर्वेंट हो भाई साहब, कहाँ से आए, क्या है, कहाँ एड्रेस है, कौन पिता है। बोला मेरे पिताजी ये हैं, मैं वहां से हूँ देवबंद ग्राम से हैं, उन्होंने भेजा है।
तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने याद किया, ओ तुमको याद आया, अच्छा बोले ब्राह्मण अपने वचन का इतना पक्का। तो फिर गोपाल भट्ट ने उस बालक को अपने पास में, उस बालक से भी बहुत प्रसन्न हुए। वो बालक पूरा जीवन गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में लग गया, पूरा नित्य ब्रह्मचारी रहा, नैशिक ब्रह्मचारी रहा, और उसका नाम पड़ा गोपीनाथ पुजारी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आगे चल के राधा रमन जी की सेवा इन्हीं गोपीनाथ पुजारी को दिया, और गोपीनाथ पुजारी आजीवन ब्रह्मचारी, उन्होंने खूब सेवा किया राधा रमन जी की। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई को दीक्षा दिया, उनको जो कि गृहस्थ है उनको फिर सेवा सौंपी, जिनकी जिनकी परिवार ने आज भी गोपाल भट्ट गोस्वामी की संप्रदाय में आते हुए राधा रमन जी की सेवा करते हैं। और श्रील प्रभुपाद स्पेशली राधा रमन जी की जो सेवा से बहुत प्रभावित है, और उन्होंने इस्कॉन के भक्तों से बोला कि हमें जैसे राधा रमन मंदिर में सेवा होती है, इसी प्रकार की सेवा अर्चना हमें इस्कॉन में भी करनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो हरिभक्ति विलास है, इसी पे बेस्ड जो हमारी इनफैक्ट जो अर्चन पद्धति है वो है। शिला भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने एक अर्चन पद्धति नामक ग्रंथ लिखा था हरिभक्ति विलास, जो से ग्रंथ पे ही आधारित, और इस्कॉन में भी वही स्टैंडर्ड्स, सिमिलर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं लगभग। जो षट संदर्भ है उसमें भी विशेष योगदान है गोपाल भट्ट गोस्वामी का। शिलजीव गोस्वामी लिखते हैं उसके इंट्रोडक्शन में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का कैसे उसमें योगदान है। इनफैक्ट जब जब रूप गोस्वामी ने गोपाल जीव गोस्वामी को एग्जाइल दे दिया, तो बोल दिया था यहाँ से जाने के लिए वृंदावन से, थोड़े लीला थी जब नाराज हुए थे कैसे उन्होंने वल्लभ भट्ट के साथ में प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, जो उस पॉइंट पे रूप गोस्वामी को लगा लीला पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब जीव गोस्वामी यमुना किनारे बैठ के फास्ट कर रहे थे, व्रत लिए हुए थे, कुछ नहीं खा रहे थे, यमुना की मिट्टी खा लेते थे, तो अब उनका स्वभाव था, विद्वता का स्वभाव था, तो भगवान को स्मरण करते हुए कुछ लिखते थे, परंतु लिखते थे पर उनको लगता क्या फायदा ऐसा लिखने का, तो उसको पानी में फेंक देते थे। तो बहते हुए जब वृंदावन था तो वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना में स्नान कर रहे थे, उनको मिल गया, उन्होंने उठाया, उन्होंने उसको कंपाइल किया और एक्सपैंड किया, और वही सब मिलकर आगे चल के षट संदर्भ बन गया। और जो हमारे मार्ग, तो ये हमारे आचार्यस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पास्ट टाइम्स है। षट संदर्भ के बारे में हम एक डिवोटी राधिका रमन प्रभु वो बता रहे थे कि गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं वो अगर 25 श्रेणियों में, चंपू, व्याकरण, संदर्भ, तो 25 कहा जाए तो संदर्भ, संदर्भ में 6 संदर्भ, तो एक है परमात्मा संदर्भ, उनमें से परमात्मा संदर्भ में है 108 अनुच्छेद, उनमें से एक अनुच्छेद पे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया, जिसको उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो जीव गोस्वामी को क्या अवार्ड मिला, ये जीव गोस्वामी ने जब उन्होंने फास्ट में बैठे हुए वो दुखी होते हुए जब लिखा था, ये वो ग्रंथ है, और जिसको आधा उन्होंने लिखा, आधा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कंपाइल किया, फिर बाद में कंपाइल। सो ये जीनियस है, ये क्या अलग ब्रीड है इनका, अलग क्लास है हमारा आचार्य इसका। एक और बहुत स्पेशल घटना मैंने पढ़ी हिजुलनेस इंद्रदन स्वामी महाराज की डायरी से। तो महाराज के एक बहुत ही परिचित भक्त है, तो महाराज उनसे मिले तो वो बता रहे थे कि ये भक्त भी वैष्णव डिवोटी है, कई साल पहले की बात है, प्रॉपर जी के तुर्भाव होने के बाद की बात है। तो ये भक्त उस समय मायापुर में थे, और मायापुर से संकीर्तन पार्टी पूरे बंगाल में, बांग्लादेश में जाती थी संकीर्तन करने के लिए। तो ऐसे बांग्लादेश में गए हुए थे, ग्रामों में, अलग अलग जगहों में जाके रात में लोग संकीर्तन करते थे, और संकीर्तन करते हुए एक जगह पर रुके थे, और वहां पे कुकिंग वगैरह करनी होती थी, सामग्री लानी होती थी कुकिंग वगैरह के लिए, लकड़ी इत्यादि, तो ये ढूंढने के लिए निकले, और करते करते संभव रास्ता भटक गए। तो कहां जाए, ढूंढते 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 कहीं गए, तो किसी एक आश्रम टाइप का था वहां पहुंच गए, और संभव वो भी कोई गौड़ीय वैष्णव आश्रम ही था, तो वहां पे एक भक्त दिखे, उन्होंने कहा हरे कृष्णा, तो उन्होंने बोला हरे कृष्णा, तो उन्होंने स्वागत किया, ये भी भूखे प्यासे, तो उन्होंने प्रसाद दिया, शाम का समय हो गया था तो उनको स्नान करने का जगह दिया, और फिर विश्राम करने की जगह दी। तो ये विदेशी भक्त थे, इन द सेंस वाइट स्किन थे, और वहां पे जितने आश्रम में जितने भी भक्त थे, किसी ने भी किसी विदेशी भक्त को उस समय तक नहीं देखा था, बांग्लादेश के किसी रिमोट जगह में जाके। तो सभी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। अगले दिन जो सुबह वो जो भक्त उस आश्रम के भक्त थे, उन्होंने विदेशी भक्त को बुला,
कि हमारे गुरु हैं वो आपको बुला रहे हैं, बहुत महान परमहंस वैष्णव हैं, वो डेली 128 माला का जप करते हैं, कई कितने वर्षों से कर रहे हैं हमें नहीं पता, और वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के वंश में आ रहे हैं, तो चलो उनसे मिले, वो तुमसे मिलना चाहते, उन्होंने बुलाया। गोपाल भट्ट गोस्वामी के संप्रदाय में आ रहे, वंश का मतलब संप्रदाय में आ रहे, सॉरी दीक्षा दाम, उन्होंने तो मिलने के लिए गए। तो जब वो मिले तो फिर दोनों में वार्तालाप शुरू हुई, तो उन्होंने पूछा कि मैं पहली बार देख रहा हूं किसी पाश्चात्य देश के किसी व्यक्ति ने पूरा वैष्णव धर्म का पालन कर रहा है इतने अच्छे से, कौन है, किसके वजह से, किसके प्रभाव से तुम ऐसा ले पाए? तो उन्होंने बताया प्रभुपाद जी के, और मेरे डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो वो जैसे ही सुना उन महान वैष्णव ने, परमहंस वैष्णव जो डेली 128 माला का जप कर रहे थे, और वो सुना तो उनके आंखों से कसके आंसू बहने लग गए, वो कहने लग गए कि मैं जानता तो जरूर ऐसा कोई एक आगे चल के हमारे शक गोस्वामियों का कोई ना कोई ऐसा कोई पार्षद, कोई ऐसा उनके डिसेंडेंट आएगा जैसा मैसेज आगे पहुंचाएगा, आगे पूरे विश्व में फैलाएगा। आज मैं देख पा रहा हूं ये जो आपके भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद है जैसा कार्य किया है, सच में शठ गोस्वामी के वो असली डिसेंडेंट वही हैं। और फिर उन्होंने अपने गिफ्ट के में अपने अपने तरफ से एक ऑफरिंग के रूप में उन्होंने क्या दिया, एक शालिग्राम शिला जिसको स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी वर्शिप करते थे और उन्होंने हेरिटेज के रूप में प्राप्त की थी, आजीवन उसकी सेवा की थी, उन्होंने गिफ्ट उठा के एज अ गिफ्ट टू श्रील प्रभुपाद उन्होंने वो शालिग्राम शिला उस डिवोटी को गिफ्ट कर दी एज ऑफरिंग की। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक असली डिसेंडेंट भी है, और वो शालिग्राम शिला वो डिवोटी लेके आए, बाद में उन्होंने वो हिजुलेंस इंद्रदन स्वामी महाराज को गिफ्ट की वो शालिग्राम शिला महाराज के पास में भी। तो हम देखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद हमारे सारे आचार्य के असली प्रतिनिधि हैं और सारे सिद्धांत को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रभुपाद जी ने हमें समर्पित किया है, हमें दिया है। तो आज यही इतना ही बताना चाहूँगा गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। आपके किसी के कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस, कुछ छूट गया मेरे साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महापहोत्सव की जय। गौर भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।